नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। देखिए दीदी स्मृति ईरानी जो क्षेत्र की सर्वप्रिय बड़ी दीदी स्मृति ईरानी के नाम से जानी जाती हैं और दीदी ने अपने यथानामे तथा गुणे के आधार पर 17 ब्लॉकों से प्रत्येक ब्लॉक से 3-3 बस कुल मिलाकर 2500 लोगों को धर्मार्थ तीर्थ यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया है। उसी परिपेक्ष में आज आप देख रहे हैं कि आज से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। सबको सम्मान, महिलाओं को साड़ी, पुरुष भाइयों को धोती और प्रसाद, सबको सम्मान यहाँ से भेजा जा रहा है। न्यास पीठ में, कार सेवा पुरम में सबके रहने, सबके ठहरने, भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यह पुनीत कार्य दीदी के ही बस की बात है। मैं समझता हूँ यह बहुत ही अच्छा धर्मार्थ कार्य हो रहा है और हम सब खुश है, पुलकित है, प्रफुल्लित। को बताना चाहता हूं, जैसा कि दीदी जी अमेठी के लिए दिनों रात जो है चिंता करती हैं, आज उसी क्रम में पूरे लोकसभा से 51 बसों में प्रतिदिन 3 बसों में 150 यात्री दर्शन करने के लिए जाएंगे और उनके जो है घर से ले जाकर के दर्शन कराया जाएगा। उनको जलपान भोजन पानी कराने के बाद उनको दर्शन के उपरांत उनको घर भी छोड़ा जाएगा। अयोध्या जो हमारे प्रभु श्री राम की नगरी है, वहाँ पर हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के माध्यम से अमेठी जनपद से सभी मंडलों से बसें भेजी जाएंगी। आज उनका शुभारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, वर्षों बाद उसका लोग दर्शन करेंगे जहाँ पर निर्माण हो रहा है। हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे, सरयू जी में स्नान करेंगे और ये जो है हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के माध्यम से हो रहा है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद निश्चित ही उन लोगों के जीवन में और बदलाव आया है आएगा जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।